नमस्कार, मैं मुस्कान शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज टुडे। देश विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ज्यादा खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट allindianews.today पर। जय हिंद, जय भारत। बस्ती पूरे कुनवे सहित पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी के आधा दर्जन शस्त्र लाइसेंस निरस्त। रामप्रसाद चौधरी के रिवाल्वर राइफल बेटे कविंद्र और अतुल चौधरी के रिवाल्वर राइफल पत्नी कपूरा देवी के रिवाल्वर राइफल को जिला मजिस्ट्रेट ने निरस्त करने की किया संस्तुति। मुकदमों का हवाला दे की गई कार्रवाई। भाजपा व बसपा सरकार में रह चुके कैबिनेट मंत्री 1989 में पहली बार लोकसभा का जीता था चुनाव। कप्तानगंज विधानसभा से 5 बार विधायक और 4 बार रहे कैबिनेट मंत्री। सपा समेत पूर्व मंत्री ने सरकार और जिला प्रशासन पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। आगे अन्य सपा कार्यकर्ताओं के भी शस्त्र व अन्य लाइसेंस निरस्त करने की चल रही कार्रवाई। इस कार्रवाई पर शीघ्र पूर्व मुख्यमंत्री व सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ले सकते बड़ा एक्शन। बस्ती में भी हो सकता है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आगमन। इस कार्रवाई के बाद अखिलेश यादव पूर्वांचल से कर सकते विधानसभा चुनाव का शंखनाद। लखनऊ पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी का चल रहा मंथन कि मेरे ऊपर और मेरे बेटे के ऊपर मुकदमा है, इसलिए उनका भी लाइसेंस निलंबित किया जाता है। इस तरह से कार्रवाई निश्चित रूप से सरकार के प्रतिनिधियों के दबाव में, एमपी एमएलए के दबाव में किया जा रहा है। आज मेरे पास कोई सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं। मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं, राजनीति में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम ही लोग होंगे जो लगातार 5 बार एक ही विधानसभा से 5 बार निर्वाचित विधायक रहे हों। ऐसे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम ही लोग रहेंगे। देश के पार्लियामेंट में रहा हूं, 5 बार लगातार विधायक रहा हूं। अब मेरे साथ इस तरह से किया जा रहा अत्याचार अन्याय देख रहे हैं आप। मेरे सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। किस तरह से क्षेत्र के काम में नजदीक विधानसभा का चुनाव आ रहा है, लेकिन हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चौधरी चरण सिंह के लोग हैं। उसी समय से इन्हीं लोग समय से राजनीति में आए, संघर्ष करेंगे। समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी। पूरे संघर्ष का जो वातावरण है उसमें हम सारे लोग मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे और ये जनता के ऊपर अपनी सुरक्षा, इस जनपद की जनता, इस मंडल की जनता सुरक्षा करने के सिवांचल के आप बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2022 को लेकर अभी से आपके ऊपर दबाव बना करके एक माहौल? अब निश्चित रूप से इस तरह से निश्चित रूप से मनसा सरकार के लोगों की, जो इस जनपद के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, निश्चित रूप से उनकी मनसा है कि इनको रोका जाए, दबाया जाए, निकलने न पावन क्षेत्र में न जाए। जब सुरक्षा की व्यवस्था होगी तो आदमी जब सुरक्षित नहीं महसूस करेगा तो क्षेत्र में हर समय रात बिरात को जनप्रतिनिधि को कभी भी निकलना पड़ता, कहीं भी जाना पड़ता। कोई अस्पताल में जरूरत है, कहीं कोई जरूरत है तो जाना आना पड़ता है। तो इसलिए ऐसा भी उनकी मंशा यही होगी कि आने वाला 3-4 महीने बाद चुनाव है, 5 महीने बाद चुनाव है। निश्चित रूप से इस तरह राजनीतिक दबाव में व्यक्तिगत कार्रवाई की जा रही है, तो इसको क्या माना जाए? अब राजनीतिक लाभ के लिए ही किया जा रहा होगा कि ये क्षेत्र में न निकले, इनके सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। बार बार मैंने प्रमुख सचिव गृह से और उससे तमाम सुरक्षा की व्यवस्था की मांग की, कोई सुरक्षा तो मिली नहीं। अपने लोग ही सुरक्षा करते थे, अब वो भी जमा करा दिया गया। क्या कोई साजिश नहीं हो सकती है? निश्चित रूप से अब तमाम राजनीति में इस तरह से साजिश हो सकती है। ये हमारे परिवार के जान माल का खतरा बना।